अभी साइकिल से मैं सुबह सुबह अपने खेतों को देखने निकला था कि जो मैंने नए वाले खेत लिए हैं उनमें मैंने कनोला लगाया हुआ है वो कितना ग्रो हो गया है। तो मैंने अभी चेक किया है, कनोला अच्छा खासा ग्रो हो चुका है और हार्वेस्ट के लिए रेडी है। तो मैं साइकिल से इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि अभी टेम्परेरली मैं यहाँ पर नई लोकेशन पर मूव कर गया हूँ। अपना फार्म जहाँ पर था वहीं पर ही है। बस लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो पता होगा मैंने 3 नए खेत परचेज किए थे, तो इन खेतों में मेरे को काफ़ी सारा काम करना था इसलिए मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी कैंप लगा लिया। तो अपने ट्रैक्टर गाड़ियाँ वगैरह जो भी जरूरत की चाहिए थी वो मैं यहाँ पे ले आया। बाकी यहाँ पे मैं अपना कैंप एक बार दिखा देता हूँ। कैंप मैंने पहली बार सेटअप किया है और ये अपना बोन फायर का है। यहाँ पे रात को बोन फायर की थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ पे कैंप में काफ़ी सारी जरूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। ये टेबल है, बैठने की जगह है, फिर सोने के लिए ऐसा हैंगिंग वाला लगा रखा है और इसमें अपने कपड़े ले आया था मैं बैग के अंदर। एक फैन भी है, एक छोटा जनरेटर है यहाँ पे अगर जरूरत पड़े रात को। वैसे तो बैटरी है, बैटरी से लाइट जल जाती है। और ये वाला जो लालटेन है, लालटेन भी लगी हुई है, तो इतना जो है जनरेटर को उनकी जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि यहाँ पे ठंड है, इतनी गर्मी होती नहीं है। बाकी बाहर अपनी मैं ये रेंज रोवर ले आया हूँ, BMW ले आया हूँ और ये वाली विंटेज वाली कार तो मैंने लास्ट वीडियो में परचेस की थी तो मैं यहीं पर ले आया था, तो ये वाली मैंने यहीं पर कभी खड़ी कर रखी है। और उसके अलावा मैंने एक ये पुरानी बाइक ले ली है। ये पुरानी है, नई नहीं है क्योंकि नई तो ये मुझे मिली नहीं, बट ये पुरानी की मुझे सही डील मिल गई थी तो पुरानी मैंने परचेस कर ली। और साइकिल मैंने एक नई ली है यहाँ घूमने के लिए, और ये साइकिल काफ़ी ज़्यादा सही है। इससे मैं पूरे यहाँ पे एरिया में इसमें राउंड मार जाता हूँ और चल भी सही लेती है। तो 28 या 29 की मैक्सिमम स्पीड है, तो यहाँ पे आसपास के एरिया में घूमने के लिए ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं जब मैं कैंपिंग कर रहा था तो मैं साइकिल भी ले ही आया था और जो अपने वर्कर है वो काम कर रहे थे, मैं साइकिल से इजीली यहाँ पे घूम के उन्हें देख रहा था। बाकी ये ट्रैक्टर का काम तो हो चुका है इन तीनों का, इनकी तो अभी दोबारा जब कल्टीवेट करोगे तब रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिलहाल तो मुझे अभी इन खेतों को हार्वेस्ट करने के लिए जाके जो है हार्वेस्टर लेके आना है, और हार्वेस्टर बड़े वाला लेके आने वाला हूँ। और इस वाली बाइक से चलते हैं, और ये है Java 250, ये ओल्ड मॉडल है तो इसको लेके चलता हूँ एक बार शॉप पे। इसको वहाँ पे खड़ी कर दूंगा, वहाँ से हार्वेस्टर ले आऊँगा और इसको भी चला के देख लेंगे। थोड़ी मैंने चला के देखी है, ज़्यादा मैंने चलाई नहीं। और इसकी स्पीड अच्छी खासी है, ये 105 की स्पीड तक चली जाती है। और इन वाले खेतों में काम करने में एक फ़ायदा है कि यहाँ से जो भी मैं हार्वेस्ट करूँगा वो डायरेक्टली मैं यहीं पे सेल कर सकता हूँ। ये जो लेफ्ट में है ये भी ग्रीनरी है, जो राइट में सामने दिख रही है वो भी ग्रीनरी है, तो मैं किसी भी जगह सेल कर सकता हूँ जिस पर मेरे को सही रेट मिलेगा। क्योंकि अपनी ग्रीनरी लगाने में या प्रोडक्शन यूनिट लगाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और उन्हें मेनटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, इसलिए बेटर है मैं खेती बाड़ी पर ध्यान दूँ, जो भी खेती बाड़ी करूँ उसे हार्वेस्ट करके जो है यहीं पे सेल कर दूं। बाकी इस नई लोकेशन का देखेंगे, ये लोकेशन मेरे को काफ़ी पसंद आ रही है और अगर मेरे को ये सही लगी तो यहाँ पे मैं काउस वगैरह का जो है बांध वगैरह भी बना लूँगा। अभी जो है तो काउस के लिए भी एक दो बिल्डिंग नई आई है, वो मैं बाद में लगाऊंगा और वो काफ़ी सही बिल्डिंग है, मतलब शेड है वो काउस की बट वो पूरी की पूरी कवर है। और ये एक साइकिल अपनी और आ चुकी है, ये मैंने ऑर्डर की हुई थी तो उस टाइम तो मुझे मिली नहीं थी, अब ये यहाँ पर डिलीवरी के लिए खड़ी हुई है। और ये छोटे वाली कैंपिंग साइकिल है, ये तो काफ़ी सही लग रही है। पर इसके टायर में कोई दिक्कत है, पर ये सही से काम नहीं कर रही, इसका टायर मेरे को ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, इसकी डिलीवरी नहीं लेते, इसको मैं यहीं खड़ी कर देता हूँ। इसके टायर में गड़बड़ी, कुछ ही कुछ आवाज़ भी कर रही है। नहीं नहीं, इसको जो है मैं पहले यहाँ पर बोलूँगा, इसको रिप्लेस कराऊँगा उसके बाद लेके जाऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से हार्वेस्टर का हेडर और एक ट्रेलर लेना है मुझे, क्योंकि हेडर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसको ट्रेलर में ले जा सकता हूँ, ऐसे ले जा ही नहीं सकता। तो अभी एक हार्वेस्टर देख लेते हैं, और हार्वेस्टर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे जॉनडियर का देख लेते हैं। जॉनडियर का ठीक है, इससे मैं कनोला हार्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसमें वाइड वाले टायर्स लगवाता हूँ और GPS वगैरह की तो ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको फिलहाल लीज पर लेते हैं। और इसके लिए हेडर लेना है बड़े वाला, सबसे बड़े वाला जो हेडर है वो भी जॉनडियर का ही है, और इसमें जो है कनोला हार्वेस्ट कर सकता हूँ। इसकी आप वेट है 4.9 टन, तो वेट तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए मुझे बड़े वाला ट्रेलर लेना पड़ेगा जो 4.9 टन का वेट कैरी कर सके। और ये है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, मतलब 15.2 मीटर का है, तो काफ़ी जल्दी इससे अपने जो है खेत हार्वेस्ट हो जाएंगे। तो अब देखना है हेडर वाला ट्रेलर, ये हेडर वाला ट्रेलर और 4.7 टन का था वो, तो ये 2.7 टन, 3.6, 2 टन, 2.5, 2.7, कोई आता भी है 4.7 टन को उठाने के लिए? अभी इनका वेट देख के तो नहीं लग रहा, ये हेडर का ट्रेलर इतना बड़ा तो उठा नहीं पाएंगे। जो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम जा पा रहा है 3.6 तक, ये तो 2.5 पे ही है सारे के सारे, और ये वाला 2.7 तक जा रहे हैं। 2.7 का हेडर लेना पड़ेगा, हेडर मुझे चेंज करना पड़ेगा, हेडर जो मैंने लिया उसको तो मैं वापस कर देता हूँ। अभी ये तो नहीं चल पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड होता है, ये रोड से मैं इसे ले जा ही नहीं सकता, रोड से मैं लेके जाऊँगा ये दीवारों में टच हो जाएगा, तो इसको पीछे ट्रेलर पे रख के ही ले जाया जा सकता है। थोड़ा छोटे वाला हेडर देख लेते हैं 2.7 टन में जो आ जाए, ये इससे भी कनोला हार्वेस्ट हो सकता है। और ये 3.3 टन का है तो ये भी नहीं, ये भी 3.3 है, ये 2.8, 3.5, ये भी 2.7 का है न्यू होलैंड वाला,
ये 8.5 मीटर वाइड है और इससे कनोला हार्वेस्ट हो सकता है। हाँ कनोला हो जाएगा हार्वेस्ट से, इसी को ले लेता हूँ। तो एक ये वाला ट्रेलर, एक ये वाला ट्रेलर है, ये वाला ट्रेलर ले लेता हूँ, ये भी 2.7 टन कैरी कर सकता है, इसको भी लीज पे लेंगे। तो ये पूरा सेटअप ही लीज पे लिया है क्योंकि ये सेटअप पूरा का पूरा मैं वापस कर दूंगा। ये ट्रेलर है तो पहले मुझे हेडर जो है इस हार्वेस्टर से अटैच करना पड़ेगा, अटैच करके उसके ऊपर रखूँगा और तब पीछे ट्रेलर अटैच करूँगा। ये इससे अटैच हो गया और अब इसको ऐसे घुमा के लेके आना पड़ेगा इसके ऊपर रखने के लिए। ऑप्शन आ जाती है इसके सामने जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे रखने की। बस ठीक है, आ गया उसके ऊपर। ये इसके ऊपर फिट नहीं आया है, नहीं नहीं गिर जाएगा ये, फिट नहीं है इसके ऊपर, नहीं ये नीचे गिर गया। अब एक काम करना पड़ेगा मुझे, ट्रेलर को आगे लेके जाना पड़ेगा। इसमें यही बड़ा इशू होता है कि इतना ईजी नहीं है ट्रेलर पर इसको लोड अनलोड करना। ये अटक गया क्या इस पर? तो अटक गया तो ठीक है, अपना काम बन गया, मैं इसको ऐसे घसीटते हुए लेके चला जाऊँगा। हाँ अटका हुआ है, चल रहा है, ठीक है, बस हट गया, अब हट गया। एक मिनट पहले यहाँ सही से पार्क कर लूँ उसको, तब उसके ऊपर रखूँगा और तब लेके जाऊँगा। वैसे तो ये हेडर ना इतना बड़ा भी नहीं है, ये जा सकता है इस रोड से। पहले मैं 15 मीटर वाला हेडर ले रहा था तब इशू था, वो नहीं जा सकता था, ये तो 8 मीटर वाला है, ये चला जाएगा। तो इस ट्रेलर की तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस ट्रेलर को तो मैं अभी हैंड टू हैंड वापस कर देता हूँ। तो ये ट्रेलर का क्यों फालतू में बिल बनाया, ये ट्रेलर है ये रहा, और इसको वापस करके हेडर को मैं यहाँ से अटैच करके ले जाता हूँ डायरेक्ट ऐसे के ऐसी, फालतू में टाइम भी बचेगा हेडर को लोड अनलोड करने का। ये हो गया हेडर अटैच और अब सीधे चला जाएगा आराम से ये, और अंदर का व्यू कर लेता हूँ फिलहाल। इसमें फ्यूल तो पूरा फुल ही मिला है मुझे, तो फ्यूल तो डलवाने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ से थोड़ा सा हेडर को नीचे कर लेता हूँ ताकि आगे का व्यू दिख सके, फिर भी आगे का व्यू इतना साफ नहीं दिख रहा, बाहर से ही ठीक है, बाहर से कर लेता हूँ व्यू। यहाँ पे केयरफुली निकालना पड़ेगा, अड़ गया स्ट्रीट लाइट में। निकल गया, यहाँ से भी थोड़ा देख के निकालना पड़ेगा, यहीं पे दिक्कत है। यहाँ से पार हो गया तो आगे तो खुला इलाका आ जाएगा अपने खेत के पास, तो वहाँ सारा का सारा खुला ही है, बस ये इतना सा एरिया है। और आगे शायद मोड़ पे मेरे को लगता है मोड़ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ से तो बिल्कुल एकदम मार्जिन से ही निकल रहा है। अगर इससे मैं थोड़ा बड़ा हेडर लिया होता ना तो दिक्कत हो जाती। और ये साइन बोर्ड एक टूट गया, कोई बात नहीं, साइन बोर्ड का तो ऐसा इशू नहीं है। यहाँ से थोड़ा घुमा घुमा के लेके जाना पड़ेगा आराम से, लाइट ना टूट जाए बस ये। तब तो मैं सिटी के बाहर आ गया, अब तो यहाँ से ईजिली ले जाऊँगा। ये लाइटों को बचाना है, बस लाइटों को थोड़ा सा मैं जिग जैग करके बचा लूँगा ऐसे करके। गाड़ी वाला ये रोकने वाला नहीं है भाई, रोक यार, ये आगे ले आया, चल निकल फटाफट यहाँ साइड से, मेरे को रिवर्स लेना पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी अड़ जाएगी। ओ ये पीछे की सीढ़ी अड़ गई लाइट में, भाई निकाल ले यार, इतना बड़ा है ये, अड़ जाएगा फालतू में, निकल जा। साइन बोर्ड तो मैंने सारे ही तोड़ दिए हैं, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर नहीं निकलेगा। यहाँ पर एक साइड दीवार आ गई है और एक साइड लाइट है, यहाँ से ऊपर से ले जाता हूँ चढ़ा के साइड से। ये राइट साइड में ना ऊपर की साइड जगह खाली है और सामने तो अपना खेत है ही। तो ये आगे अपना खेत, यहीं से शुरू कर देता हूँ उसको हार्वेस्ट करना। अभी ये हार्वेस्ट करता रहेगा और मैं जाके एक ट्रक ले आता हूँ, इसमें से निकाल के हैंड टू हैंड सेल भी करता रहूँगा। तो इसमें हार्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये तीनों खेत ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इनको कल्टीवेट करने में और फिर इनमें सीड लगाने में, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैंप सेटअप किया था। तो अभी इसको यहाँ करने देते हैं, इतनी जल्दी ये फुल नहीं होगा। और अभी वहाँ पे जो है अपने फार्म पे खड़ा हुआ है ट्रैक्टर ट्रेलर के साथ, उसे लेके आऊँगा। तो जो बाइक है उसे मैं फार्म पर छोड़ के आऊँगा, वहाँ फार्म पर पार्किंग है तो वहीं पर उसको पार्क कर देंगे। और दो पार्किंग की शेड थी, एक बाइक्स के लिए बना दूंगा और एक कार्स के लिए बना दूंगा क्योंकि और भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं जो मैं लेने वाला हूँ। और अभी 3-4 बाइक्स और नई आ चुकी हैं और काफ़ी और आने वाली हैं, तो अभी फिलहाल जल्दी से बाइक के पास चल के बाइक को एक बार फार्म पे लेके चलता हूँ। ये भी बाइक और साइकिल को मैं बाद में लेके जाऊँगा जब वो रिप्लेस होके नई आ जाएगी। और सामने ही अपना फार्म, ये वाला खेत भी वैसे अपना ही है, इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं है, इसमें तो ऐसी झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं अब। और ये गेट मैंने खुला ही छोड़ रखा है यहाँ पर, और सामने अपना ट्रैक्टर और ट्रेलर खड़ा हुआ है, ये वाला ट्रेलर लेके जाना है। फिलहाल इस बाइक को तो पहले पार्किंग में ला के आऊँ।
अगर अपनी काउस वगैरह को भी देख लेते हैं, सही चल रहा है यहाँ पे काउस का, तो कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा, सब बाहर बैठे हुए हैं आराम से। सामने हॉर्स भी ठीक ही लग रहे हैं, और चिकन्स का तो ठीक ही चल रहा है हिसाब किताब, उनका तो खाना वाना सब मैंने डाल रखा है। तो इस बाइक को अंदर इस वाली पार्किंग में ले चलता हूँ। तो अभी ये पहली बाइक है इस पार्किंग में, और अभी दो तीन और हैं, मैं दिखा देता हूँ कौन सी बाइक्स अवेलेबल हैं। तो एक वाली बाइक है अप्रीलिया RS GP, और ये काफ़ी सही स्पोर्ट्स बाइक है, और इसमें हेलमेट की ऑप्शन है लेने के साथ में या ना लेने की, हेलमेट भी साथ में ले लेंगे, हेलमेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ये दूसरे वाली है, तो ये वाली भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, और इसमें डिज़ाइन और भी है इसमें, ये वाला नहीं, और ये तो काफ़ी सही सही डिज़ाइन लग रहा है, तीन डिज़ाइन है, ये तीसरे वाला मेरे को ठीक लग रहा है। और उसके अलावा एक ये आई है BMW S1000 RR, और इसमें एक ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, चार कलर है। व्हील सेटअप चेंज कर सकते हैं इसका, व्हील सेटअप में ये अलॉय चेंज हो जाएंगे, स्टैंडर्ड दो ही तरह के अलॉय हैं। और फिर ये एक आई है, ये वाली बाइक तो जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलती थी पहले इसको क्यों तो विक्की वगैरह कुछ बोलते थे या मोपेड बोलते थे। ये काफ़ी कम पावर की होती है, ये सिर्फ 2 हॉर्स पावर की है, और 5 लीटर इसके फ्यूल का छोटा सा टैंक है, बट ये भी ठीक है, ये भी अपने कलेक्शन में रखेंगे। और ये वाली तो मैंने ले ली है, और ये वाली बाइक है एक, तो ये वाली बाइक ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन का है नहीं, बस ये बेसिक सी बाइक है, और इसको ऐसे का ऐसा ही ले सकते हैं। और ये 10,000 यूरो की है, ये वाली 2300 यूरो की है, तो काफ़ी सस्ती है, ये 1,000 की है, ये 18,000 की है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। सबसे महंगी तो अप्रीलिया है 40,000 की, तो अभी तो ये बाद में ही परचेस करेंगे, फ़िलहाल जो है अगर मैं परचेस करना चाहूँ तो मैं एक ये परचेस कर सकता हूँ 1,000 यूरो की है, बट नहीं, ये बाइकों का अलग ही रखेंगे, बाइक्स को अलग ही परचेस करने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे है कैपेसिटी, यहाँ पे इजीली बाइक्स तो कितनी पार्क कर सकता हूँ ऐसे, जो है यहाँ ही 15-20 बाइक आराम से आ जाएंगी, इधर 15-20 आ जाएंगी, बाइक्स की तो कोई कैपेसिटी का इशू नहीं है। तो यहाँ पे बस 8 गाड़ियों की पार्किंग है, 3 गाड़ियाँ मैंने यहाँ पार्क कर रखी हैं, और 3 गाड़ियाँ हैं अपने कैंप की लोकेशन पे, और अपना डोगी यहाँ घूम रहा है, इसको मैं खाना भी डाल देता हूँ। ये हो गया इसका खाना, और आ रहा है खाना खाने, आ तो रहा है दौड़ के, एक बार देख लूँ इसे, ये आ गया खाना खाने के लिए, इसका खाना डाल दिया है तो इसका काम चल जाएगा। और वैसे अभी मैं यहाँ पे इस वाले फार्म पे 2 दिन के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि कैंप पे रुका हुआ था, बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी कैंप पे चलता हूँ वापस। और कैंप में मुझे ये वाला ट्रेलर लेके जाना है इस वाले ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि वहाँ पे जो है अनलोड करने के लिए हार्वेस्टर को ये वाला ट्रेलर चाहिए होगा। और ये वाला ट्रैक्टर मेरे पहले ट्रैक्टरों में से है, मतलब जब मैंने ये गेम खेलना स्टार्ट किया था तब जो स्टार्टिंग में ट्रैक्टर लिए थे तो उनमें से एक ट्रैक्टर ये है, बाकी ऑलमोस्ट मैं सारे ट्रैक्टर चेंज कर चुका हूँ, पुराने वाले सारे मैंने वापस कर दिए हैं, और नए नए मॉडल जो है मैंने परचेस कर लिए, बट ये अभी तक मेरे पास है। और ये वाला ट्रैक्टर लीज पे है, और ये मैंने अब तक परचेस नहीं किया है, और वैसे ये ट्रैक्टर मुझे परचेस कर लेना चाहिए था, क्योंकि शुरू से मेरे पास है और इसको मैंने परमानेंट ही रखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी अब परचेस कर ही लूँ, क्योंकि परचेज़ करने पे एक बार ही पेमेंट करनी है, लीज़ पे लेने में तो हर महीने इसका रेंट जाता है, तो आज तो उससे मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद इस ट्रैक्टर को फिर परचेज़ कर लेंगे। तो अभी तो ये वाला हार्वेस्टर फुल नहीं हुआ है, अभी तो ये काम कर रही है यहाँ पे, और अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा फुल होने पर, इतने मैं इस वाले ट्रैक्टर को ना उसके पास ही लगा देता हूँ। मैं तो इस वाले ट्रेलर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, हार्वेस्टर इसमें 3 या 4 बार अनलोड हो जाएगा, उसके बाद जाके ये फुल होगा। और ये साइन बोर्ड उड़ के इधर को आ गया, या फिर ये डाइवर्जन, ओ ये रोड यहाँ से जो है 2 जगह के लिए जा रहा है, इसलिए ऐसा साइन लगा रखा है। और अभी जो है इसमें से कुछ अनलोड कर ही लेता हूँ उसके साथ साथ चल के। बस के साथ साथ लगाना है, अनलोड करना शुरू कर देगी। वैसे तो इस ट्रैक्टर का टायर इतने बड़े हैं, ये ज़्यादा पास इसके जा नहीं पाएगा, रोक दिया इसको आगे से मैंने, अरे रुक जा टायर, अपने आप ही रुक जाएगी, आगे ट्रैक्टर के टायर अड़ रहे हैं तो आगे जा ही नहीं पाएगी। तो अभी सिर्फ 8146 लीटर निकला, और इसमें जो है 18% ही अपनी कैपेसिटी फुल हुई है, बट मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सेल करके देख लेता हूँ, एक बार पता चल जाएगा करोला का कितना प्राइस मिल रहा है, वैसे तो मैं मार्केट रेट में भी देख सकता हूँ, बट फिलहाल सेल कर देता हूँ, क्योंकि अभी बैलेंस भी थोड़ा कम हो रहा है, $3,00,000 से नीचे आ चुका है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास यहाँ पे 1,000,000 यूरो थे, बट अब 3,00,000 यूरो भी नहीं है, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा हो गया, ये 3 खेत जो परचेज़ किए थे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गए थे। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर के टायर इतने बड़े हैं, ये जाएगा इसके अंदर या नहीं जाएगा, जा भी सकता है देखते हैं, नहीं अटक गया, टेढ़ा हो गया पूरा, टायर ही टच हो गए, थोड़ा सा कोशिश करें, टेढ़ा मेढ़ा करके भी नहीं जाएगा,
इस बड़े वाले ट्रैक्टर की यही दिक्कत है कि ये काफ़ी जगह जो है ना जा नहीं पाता, टायरों की वजह से इसको जगह मिल ही नहीं पाती और अब ये फंस गया है यहाँ पे बुरे तरीके से। टायर यहाँ से दिख भी नहीं रहे ऐसे होके फंसा है। इससे बेटर तो मैं रिवर्स में ही लिया था इस ट्रॉली को ना। निकल तो गया, रिवर्स में लेके आता हूँ, रिवर्स में ही काम बनेगा यहाँ पे। हाँ रिवर्स में ठीक है, रिवर्स में ऑप्शन आ गई अनलोड करने की। और अभी 8000 लीटर के आसपास कनोला था तो देखते हैं कितने मिलते हैं। 8000 लीटर के 12,746 यूरो मिले हैं तो अपने खेतों में काफ़ी सारा निकलने वाला है। तो मेरे को एक्सपेक्टेड है यहाँ से 3.5-4 लाख यूरो के आसपास मेरे को इन तीनों खेतों से मिलेंगे, तो फिर से अपना बैलेंस 7 लाख यूरो से ऊपर हो जाएगा। तो अभी एक बार ना इधर की साइड चल लेते हैं अपने कैंप की साइड, क्योंकि उसे हार्वेस्ट करने में अभी टाइम लगेगा। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे कैंप पे आराम कर लेता हूँ और अपना कैंप का रास्ता यहीं से लेफ्ट साइड ही है, तो अपना कैंप ये रहा इधर की साइड, यहाँ से दिख जाएगा अभी वो दिख रहा सामने। तो ये राइट वाला खेत भी परचेज़ करना है, जब यहाँ से सारी जी वाली क्रॉप सेल कर देंगे और अच्छा खासा बैलेंस होगा तब इस राइट वाले खेत को परचेज़ करूँगा। ये राइट वाला खेत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिलहाल तो ट्रैक्टर को मैं यहीं पार्क करता हूँ, यहाँ पे ठीक है। और अभी आज मौसम ऐसा ही हो रहा है, धूप तो निकली है ही नहीं। तो अभी तो हार्वेस्टर सामने वाले खेत में हार्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये वाला खेत है, इसके साथ वाला खेत है। तो अभी हार्वेस्टर इतने खेतों में काम कर रहा है, इतने में थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और बाकी इन सब खेतों को हार्वेस्ट करने के बाद जो अच्छा खासा अमाउंट आएगा उससे एक तो खेत परचेज़ करना है और उसके अलावा जितनी भी अभी बाइक्स अवेलेबल है मैं सारी की सारी परचेज़ करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशली यही करने वाला हूँ कि वहाँ पे जो है सारी की सारी बाइक्स परचेज़ करूँगा और जो गाड़ियाँ रह गई हैं वो गाड़ियाँ भी परचेज़ करूँगा और उसके बाद अपने गैरेज को बिल्कुल फुल कर देंगे और ज़्यादातर बाइक्स को और गाड़ियों को चला के भी देखेंगे कि वो कैसी चलती हैं और कैसी लगती हैं। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।